मैं इस समय दिल्ली के रामलीला मैदान में हूँ और बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। 2 अप्रैल को 11 लोग शहीद हुए थे, उनकी इस तरह से क्या बनाई गई है आप देख सकते हैं। रामलीला मैदान में आज 13 दिसंबर है और माफ कीजिए 13 जनवरी है और ये प्रोग्राम हो रहा है। 11 लोगों ने उनकी मूर्तियाँ लगाई गई, देखिए ये 11 मूर्तियाँ लगाई गई है हुए थे लोग और इनके पूरे परिवार को बुलाया गया है। ये तस्वीरें और समाज के लोग देखते हैं, हमने बनवाया मूर्तियाँ नहीं सर, बनवाए नहीं हैं। बात करना तो संभव नहीं है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसे बात करना संभव नहीं है। उसी के 2 अप्रैल को शहीद हुए थे, उसी की याद में प्रोग्राम है। सारे विक्टिम फैमिली आए हैं यहाँ, पूरी फैमिली ये 11 आवाज अब थोड़ी कम हुई है, 11 जो विक्टिम फैमिली है और उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम किया गया है और संविधान के जा रही है और ये सारे लोग फैमिली है जिनके बच्चे विक्टिम हुए थे। और ये 11 जो 2 अप्रैल को शहीद हुए थे ये अलवर से हैं और उन तमाम फैमिली को बुलवाया गया है। आवाज़ नहीं आ सकती है चूँकि भाषण चल रहा है, मैं रुकवाने के पक्ष में भी नहीं हूँ और इसीलिए ये पूरा प्रोग्राम है और इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो घंटे हैं वो हैं। एक बार नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सारे फैमिली जो है विक्टिम फैमिली हैं जो आए हैं और उनके सम्मान में जिनकी वजह से 2 अप्रैल का ये घंटे 2 अप्रैल को जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में भनते हैं और उनकी सारी तस्वीरें जो है आप देख लीजिए, शहीदों की तस्वीरें हैं। तो दिल्ली के रामलीला मैदान में ये प्रोग्राम हो रहा है जहां 2 अप्रैल के शहीद जो हुए थे उनको सम्मान दिया जा रहा है, भनते हैं सारे और संविधान की मूर्तियाँ बांटी जा रही है। ये देखिए तो आप याद कर लीजिए कि ये वही लोग हैं जिनकी शहादत की वजह से SC ST एक्ट बचा था और जब हमारे वोटर साथी का जब अपना अनुसार समझा रखे और मीडिया को लोग पीछे और पीछे की तरफ ये वही लोग हैं जिनकी वजह से 2 SC ST एक्ट बचा था
इनका यही 11 लोग शहीद हुए थे। और हमारे नेताओं को समझना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो इनके परिवार को और उन शहीदों को सम्मान मिले, इसकी जिम्मेदारी है उनकी। क्योंकि अगर आज SC ST एक्ट बचा है तो इन्हीं 11 लोग के शहीद होने की वजह से, और वो तमाम परिवार यहाँ हैं और तमाम वो परिवार हैं, और वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, काफ़ी भावविहल करने वाला है। यहाँ से भाषण निशान दस्तक पर लगाएंगे, राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ये जो परिवार है पूरा, इन्हीं की वजह से SC ST एक्ट बचा था और 11 लोग शहीद हुए थे। और ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको, रामलीला मैदान में देश भर के बहुजन समाज के लोग जमा हुए हैं और वो उन शहीदों को याद कर रहे हैं जो 2 अप्रैल को SC ST एक्ट बचाने के लिए शहीद हुए थे। उनमें से सबसे बड़ी विडम्बना है, किसी को आरक्षण की वजह से नौकरी नहीं मिली है, सब गरीब परिवार, ये नेताओं की जिम्मेवारी है वो इनका ख्याल रखे। दिल्ली के रामलीला मैदान में जो 2 अप्रैल को शहीद हुए थे उनके परिवार को बुलाया गया है। और जो BSP से निष्कासित जो उपाध्यक्ष है जयप्रकाश लोग हैं, प्रोग्राम चल रहा है। और मैं आपको लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो बताना मुश्किल है, क्योंकि आवाज बहुत है पीछे, माइक पर भाषण हो रहा है, उसको हम रोक भी नहीं सकते हैं। कि 2 अप्रैल के जो शहीद हुए थे उनका सम्मान किया जा रहा है, और इन्हीं 11 शहीदों की वजह से SC ST एक्ट बचा था। उनको सम्मान देने के लिए लोग जमा हुए हैं, देश भर से जमा हुए हैं। बातचीत संभव नहीं है लोगों से क्योंकि आवाज नहीं आ रही है। और एक शख्स जो यहाँ आए हुए हैं, क्या नाम है आपका? नंदा गायकवाड़। कहाँ से आए हैं? पुणे, पुणे महाराष्ट्र। अच्छा, बताइए क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? कार्यक्रम के वास्ते हैं ना। अच्छा, तो ये मुझे बार बार कह रहे थे कि गोल्ड माइन है, इनसे मिलना है, तो बहुजन समाज थोड़ा अमीर भी हो रहा, अच्छी बात है, शुक्रिया। लोग जो है ये अमीर ऐसे नहीं दिखा रहा हूँ। SC ST एक्ट जो बचा था वो 11 लोग जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये प्रोग्राम रखा गया है। और देश भर से लोग अपने 40 साथियों के साथ सारे शामिल हुए हैं और एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। हम दिखाऊंगा और धन्यवाद करते हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी मेवाड़ राजस्थान नगर से इन्होंने तो खास सहयोग किया है, धन्यवाद करते हैं। और ये तमाम लोग हैं जिनको बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये तस्वीरें आप चंद्रभान भारती जी जो 500 रुपए सहयोग कर रहे हैं, इनका भी हम धन्यवाद करते हैं। पूरी तस्वीर दिखा के जाऊंगा, बात संभव नहीं है। जो साथी वहां पर एंट्री में कोशिश होगी, जो व्यवस्था बिगाड़ में काम कर रहे हैं और जिन लोगों का नाम इस मंच से लिया जाएगा वहीं से हमारे ये बहुजन सम्मान महासभा का नाम दिया गया है। और तमाम वो लोग मौजूद तो SC ST एक्ट को बचाने के लिए जो 11 लोग शहीद हुए थे उनके परिवारों को सम्मान के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया और काफी संख्या में लोग यहाँ आए हैं। सबसे बात करना संभव नहीं है, बस तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि काफी संख्या में लोग आए हैं, अभी लोग आ ही रहे हैं, पूरे दिन भर का कार्यक्रम है। 2 अप्रैल को यही वो तमाम 11 परिवार थे जो शहीद हुए थे और उन्हीं के सम्मान में जो है यहाँ लोग जमा हुए हैं। और ये तमाम लोग जो है ये दिल्ली में जमा हुए हैं उस परिवार को सम्मान देने के लिए, उन शहीदों को सम्मान देने के लिए। और तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको कि 2 अप्रैल के जो लोग शहीद हुए थे इन्हीं की वजह से SC ST एक्ट बचा था और उसके बाद ये सरकार भी दबाव में आई थी। तो ये नेताओं की जिम्मेवारी है कि अगर वो सत्ता में आते हैं किसी तरह का काम करते हैं तो इनके लिए वो सोचे, कुछ उपाय करें। तो बात करना आसान नहीं है क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, कोशिश करूँगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ रामलीला मैदान से जहाँ बहुजन समाज के लोग जमा हुए हैं और वो तमाम 11 लोग जो शहीद हुए थे उनके परिवारों का सम्मान किया जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है। और बार जो कहता हूँ कि बहुजन आंदोलन जो है वो किताबों के जरिए बढ़ता है। मैं आज पुस्तक मेला में नहीं गया हूँ, वहाँ स्टॉल नहीं मिलता होगा इन लोगों को, लेकिन जैसे जहाँ भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं लोग किताबों के जरिए, तस्वीरों के जरिए सब स्टॉल लगाते हैं और बेचते हैं। जो इंटरनेशनल बुक फेयर में है उनमें
स्टॉल लेने के इनके पास पैसे नहीं है, तो इस तरह के जितने भोजन प्रोग्राम होते हैं वहाँ वो तस्वीर लगाते हैं, किताबें बेचते हैं, महिलाएं भी आती हैं, कुछ बिक्री बढ़ी है आजकल, बढ़ी है तो आजकल थोड़ी अवेयरनेस भी आई है, जागरूकता भी आई है। इंटरनेशनल बुक फेयर में बहुजन समाज के लोग किताब की दुकान नहीं लगा सकते, स्टॉल नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ जहाँ बहुजन समाज का आंदोलन हो, जहाँ जहाँ बहुजनों का कार्यक्रम हो, जहाँ जहाँ बहुजन समाज के लोग एकजुट होते हैं, वहाँ लोग इस तरह के स्टॉल्स लगा के वो किताबों के जरिए बेचते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बहुजन आंदोलन जो है वो इन्हीं किताबों के जरिए बढ़ता है, और महिलाएं की भागीदारी है। बच्चे कहाँ से हैं आप? हापुर से। ठीक है ठीक है, तो रोजी रोटी नहीं है, पेशा नहीं है ये, एक बहुजन आंदोलन चलाते हैं, इससे बहुत आमदनी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज के लोग जो हैं इसको आंदोलन समझ के इन किताबों को घर घर तक पहुंचाने में लगे हुए हैं, ताकि क्रमकांड में फंसा बहुजन समाज का आदमी, गरीबी में फंसा आदमी, आंदोलन से दूर फंसा आदमी जो है वो अपने आप को उससे निकाले, और वो तभी संभव है जब घर घर ये किताबें पहुँच जाएंगी। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ बहुजन समाज का आंदोलन जो है, एक मिनट से रुकिए ना, ये जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इन्हीं तस्वीरों के जरिए, इन्हीं किताबों के जरिए पूरा आंदोलन चलता है। और इंटरनेशनल बुक फेयर में अगर ये स्टॉल नहीं ले सकते हैं तो इस तरह के जो भी आयोजन होते हैं वहाँ आते हैं, स्टॉल लगाते हैं और घर घर लोगों को जगाते हैं, किताब पहुँचाते हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि बहुजन आंदोलन जो है वो किताबों के जरिए बढ़ रहा है। अभी बहुजन समाज के लोग इंटरनेशनल बुक फेयर में स्टॉल लगाने की हैसियत नहीं हो पाई है, तो जहाँ भी रैली प्रोग्राम होता है वहाँ भी इस तरह के आयोजन में शामिल होते हैं, और तस्वीरों के जरिए, किताबों के जरिए बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि इन तस्वीरों को बताऊँ, और पूरी ज़िंदगी लोगों ने लगाई है। कितने साल से ये काम कर रही हैं? कई साल। तो तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, स्टॉल लगाते हैं, और इसी से बहुजन आंदोलन जो है वो आगे बढ़ता है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बहुजन बढ़ेगा नहीं। तो पूरा बहुजन आंदोलन जो है वो किताबों के जरिए चलता है, और इसी का नतीजा है कि इंटरनेशनल बुक फेयर में आपको इतने स्टॉल्स नहीं दिखेंगे जितने बहुजन समाज के कार्यक्रमों में बहुजनों के स्टॉल्स दिखते हैं। तो इसी से बहुजन आंदोलन बढ़ता है। तो ये सारी तस्वीरें, मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, मैं यहाँ बात कर सकता हूँ। 2 अप्रैल को जो 11 लोग शहीद हुए थे उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, और उसी की वजह से SC ST एक्ट बच पाया था। तो ये तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था दिल्ली के रामलीला मैदान से, जहाँ 13 फरवरी को बहुजन समाज के लोग एकजुट हुए हैं, और जो 2 अप्रैल को SC ST एक्ट बचाने के लिए लोग शहीद हुए थे उनके परिवार को सम्मान कर रहे हैं। सम्मुख कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, रामलीला मैदान, दिल्ली। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सकें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।